नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम जीएसटी हीरो के दर्शकों के लिए लाए हैं एक खास वीडियो खास मौके पर। ये खास मौका इसलिए है क्योंकि इसी महीने के 1 तारीख को यानी 1 जुलाई 2022 को जीएसटी लागू किए हुए लगभग 5 साल हो गए और उसी हफ्ते चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग नए चेंजेस के साथ खत्म हुई। तो आज बात करेंगे उसी नए चेंजेस के बारे में जिसे सुनकर आपके मन में कोई भी डाउट रहने की गुंजाइश नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले, और अगर भूले तो हम दोबारा याद दिलाने को नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो जीएसटीआर 3B के चेंजेस से। जीएसटीआर 3B यानी कि मंथली जीएसटी रिटर्न, उसमें काउंसिल ने संशोधन करने की अनुमति दी है। साथ ही में जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 फॉर्म में ऑटो पॉपुलेशन की अनुमति दी है। अब इसके अलावा काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न सिस्टम को वापस लेकर जीएसटीआर 3B में कॉम्प्रेंसिव चेंजेस करने की घोषणा भी की है। तो इस कदम के मेनली दो ऑब्जेक्टिव थे, पहला नकली ITC क्लेम्स पर नियंत्रण पाना और दूसरा जुनाइन ITC डिस्पोजल को फास्ट करना है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या हुआ है देखते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है जीएसटीआर 9 में। अब सिर्फ 3B में बदलाव करेंगे तो भाई जीएसटीआर 9 को तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि रिश्ते में तो वो इनके पापा जी लगते हैं ना सर जी। क्योंकि जीएसटीआर 3B अगर मंथली रिटर्न है तो जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है, तो उसमें भी काउंसिल ने कुछ रिलैक्सेशंस जैसे थे किए हैं। फिर भी फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 के एनुअल रिटर्न को मिनिमल चेंजेस के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उन्होंने एक्चुअली ये भी कहा है कि इसमें वक्त के हिसाब से और भी कुछ रिलैक्सेशंस मिल सकती है। इसके अलावा जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 2 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले लोगों पर लागू नहीं होंगे। अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की ओर जो आपको थोड़ा सा सुकून दे सकता है। यह बदलाव है ईसीओ वेंडर्स के लिए। ईसीओ वेंडर्स मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन के जरिए जो अपना माल यानी कि गुड्स ऑनलाइन बेचते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में इन स्मॉल स्केल ई कॉमर्स वेंडर्स की बाधाओं को कम करने पर सहमति हुई। काउंसिल ने उन्हें इंटरस्टेट ट्रेडिंग की परेशानी और टैक्स आउटगोइंग को कम करने के लिए कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी। इसके अनुसार नई कंपोजिशन स्कीम IT सिस्टम स्थापना के बाद जल्दी ही आ सकती है। तो इसका आसान मतलब ये है कि ई कॉमर्स वेंडर्स को अब इंट्रास्टेट सेलिंग के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ एक बात पे ध्यान दीजिए, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट। अगर यदि उनका कारोबार 40 लाख रुपए गुड्स की या 20 लाख रुपए सर्विसेज की सीमा से अधिक नहीं है तब भी। बट जो इंटरस्टेट वेंडर्स है ई कॉमर्स पर, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होगी, ये चीज ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सही जानकारी चाहिए और ऐसे ही जीएसटी से रिलेटेड सारी क्वेरीज का सही सॉल्यूशन चाहिए तो आपको www.gsthero.com वेबसाइट पर जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा आप कमेंट्स के जरिए भी हमारे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हो, जहां आपको सॉल्यूशन मिलने में काफी आसानी रहेगी। अब बढ़ते हैं कुछ डेडलाइन डेट्स की तरफ जो आपको याद रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको दुगना लगान देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 के लिए जीएसटीआर 4 को विदाउट लेट फीस भरने की तारीख अब 28 जुलाई 2022 की गई है, और साथ ही में 2022 साल के पहले तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून के लिए CMP 08 की डेडलाइन 18 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है। अब मुड़ते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पर, यानी कौन सा, रिफंड रिलेटेड रिकमेंडेशंस। अगर रिफंड के बारे में बात करें तो आपको बेहद राहत देने वाली खुशखबर है दोस्तों, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक मतलब 2 साल की कोविड टाइम को माफ करके रिफंड क्लेम्स को दाखिल करने की मंजूरी दी है, और साथ ही में इन्वर्टेड स्ट्रक्चर के कारण अनयूटिलाइज्ड ITC की रिफंड कैलकुलेशन के लिए पहले से मौजूद जो फॉर्मूला था उसमें भी संशोधन करने का सुझाव प्रकट किया है, और कुछ प्रोडक्ट्स के इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर में सुधारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव हो सकता है जिसमें टैक्स रेट्स 12% से 18% तक हाइक हो सकते हैं। इसके अलावा CGST एक्ट में भी चेंज किया गया है
जिसमें गलत तरीके से प्राप्त ITC पर केवल तब इंटरेस्ट देना होगा जब उसे यूटिलाइज किया जाता है। और अगर बाकी इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करें तो कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपको पसंद आएंगे तो कुछ बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि हॉस्पिटल जैसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज को GST के प्रभाव क्षेत्र में लाया है, और गोल्ड जैसे प्रिशियस स्टोन्स के लिए अब आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और कुछ बदलाव आपको अच्छे भी लगेंगे, जैसे कि अब GSTN पोर्टल पे आप IMPS और UPI थ्रू पेमेंट कर सकते हो। लीगल कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए भी पहले हमें सीधा कोर्ट में ही जाना पड़ता था, अब काउंसिल जल्दी ही GST ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करेंगी जहां सब लीगल मैटर्स सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो ये थे GST प्रोसेसिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, जिससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ने हाल ही में मतलब 5 तारीख को ही जारी किए हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अब रुकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर सबसे अलग लगा तो शेयर भी कीजिए। और GST रिलेटेड सॉल्यूशंस एकदम एक्यूरेट पाने के लिए हमारी वेबसाइट GST हीरो को विजिट करना न भूलिए। यहाँ आपको हमारे एक्सपर्ट से मिलेंगे सारे सवालों के जवाब, वो भी सबसे फास्ट और सबसे सही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर। शुक्रिया।